कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद राजकुमार ने अपनी अलग पार्टी बनाए जाने के संकेत दिए। बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल, सैनी ने कहा कि जल्द ही पार्टी का नाम और पार्टी बनाने की प्रक्रिया पूरी होने पर जनता के बीच जाएंगे। महिला सरपंच ने दबंगों पर लगाया मारपिटाई का आरोप, सरपंच ने बदमाशों पर सरकारी काम में भी बाधा डालने का आरोप लगाया। गोहाना में रोडवेज विभाग की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, टीम ने गोहाना जींद रोड पर बसों में बिना टिकट यात्रा करते हुए 25 से 30 युवकों को पकड़ा। अंबाला में अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी विधायकों ने अपने सरकारी फंड्स खर्चने में कंजूसी बरती है, एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। रेवाड़ी में खसरा और रुबेला को लेकर सतर्क हुआ स्वास्थ्य विभाग, खसरा को रोकने के लिए विभाग चलाएगा विशेष अभियान, 2500 बूथों पर 213 टीमें करेंगी टीकाकरण। सिरसा के परमार्थ कॉलोनी में लाखों की नकदी की चोरी, घर में ताला तोड़कर चोरी, चोरों ने करीब 22 लाख रुपयों पर हाथ साफ किया। मेवात में चाय के होटल में लगी आग, होटल में अज्ञात कारणों से लगी आग, आग से चाय का होटल जलकर खाक हुआ, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भिवानी में कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने बीजेपी की बेटी बचाओ के नारे पर कसा तंज, कहा बीजेपी ने बेटी बचाओ के नारे को अपराधी बचाओ और संरक्षण में बदला। हिसार के हादसे में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की थाने में पिटाई, पुलिस कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को नग्न करके पीटा, 1000 रुपए लेकर महिला को छोड़ा। रेवाड़ी जिले के संगवाड़ी गांव में नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की, खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं, मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी।